अस्सलाम वालेकुम आसिफ शराजी आपके साथ। तो आज हम आए हैं मेन पिको रोड के ऊपर है जी, मियां टिक्का के नाम से शॉप है इनकी। इनके पास हर किस्म की फ्राइज है और कबाब है, चेस्ट पीस है, टिक्का है, बहुत ज़्यादा इनके पास आइटम है। आए इनसे पूछते हैं कि इसका खास क्या राज है और क्यों इतनी मज़ेदार है। ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, ये देख सकते हैं। इनके पास ये देखिए, ये चिकन छोटे हैं, ये तुमची है, ये कबाब है और साथ ये इनके लग पीस है। वो जमस्टिक इनके पास देखो कितनी प्यारी और खूबसूरती है। और ये देख सकते हैं अभी साथ ये देखेंगे, इन्होंने फ्राई करके रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखो ये इन्होंने फ्राइज कर दिए, ये चपनी कबाब है और वो चीज़ है और ये वो फ्राई हो रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है और आपके साथ शेयर करते हैं। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम भजन, क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी? भजन ये आपका मियां टिक्के के नाम से बहुत मशहूर नाम है, ये मैंने सुना तो इसलिए मैं आप स्पेशल आपके पास आया हूँ। तो इसकी थोड़ी सी रेसिपी शेयर करेंगे हमारे साथ, दोस्तों को बताएंगे इसकी खास बात क्या है, आपकी हर चीज़ फेमस है। अच्छा अच्छा, ओके, अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत बात, हाँ ये तो अच्छी बात आपने की है। हर चीज़ फ्रेश है, रूटीन की आने वाली है, लेकिन इसमें थोड़ा ये जो मसाला आप यूज़ करते हैं जो खुद, उसके क्या राज है उसके पीछे बताएं। ये हमने शेयर करते हैं, नहीं मतलब होता ना कि जस्ट ये नहीं कि मैं आप सब कुछ बताएं, जस्ट अच्छा बाहर से परचेज करते हैं या खुद आप बनाते हैं मसाले में? अच्छा 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 अच्छा, तो ये सारे सारे वाले अपने हैं। अच्छा पीछे गोदाम में आप ये करते हैं, दुकान पे आके सारे तैयार करते हैं? ये सारा गोदाम में तैयार होता है। अच्छा 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 अच्छा, माशा देखे ये। और ये जो आप जिसपे मसाला खुद यूज़ करते हैं वो कौन सी चीज़ आपकी है यहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो माशा वो सामने मेरी नज़र आ रहा है आपका, वो लेग पीस है, चेस्ट पीस है? अच्छा उस पर बहुत ज़्यादा मसाला लग रहा है, उसके अंदर क्या इतनी ज़्यादा आपने डाला जो बड़ा शो नज़र आ रहा है वहाँ पे? अच्छा 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 अच्छा, कस्टमर की कौन सी डिमांड होती है ज़्यादा, कस्टमर को क्या खाता शौक से आपसे? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए भजन ये कह रहे जी हमारी हर चीज़ जल्दी कस्टमर खाते हैं। और यहाँ आज अंदर बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं भाई से ये क्या शौक से खाते हो क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच सर, कहाँ से शरीफ लाए हैं आप? अच्छा अच्छा, तो सर ये बहुत मशहूर है मियां टिक्का के नाम से शॉप है ये, इसकी क्या क्वालिटी आपको अच्छी लगती है जो आप? ठीक है ठीक है, तो कब से आप खा रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो इनके जो प्राइस है बिल्कुल ठीक है, कितने का कबाब दे रहे हैं कि ये? 30 रुपये का कबाब है, ये तो रेट बहुत मुनासिब है इनके। तो आप दोस्तों के साथ भी आते हैं या फैमिली को भी लेके आएंगे? चलिए थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। ये भजन कह रहे जी इनके बहुत मुनासिब रेट है और बहुत मज़ेदार है, ये देख सकते हैं आप मेरे सामने, ये बिल्कुल यहाँ पे रश लगा हुआ है माशाल्लाह, ये देखें बहुत ज़्यादा। इनसे पूछते हैं और भाई से पूछते हैं यहाँ पे कौन है, आए इनसे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप, ठीक हैं, तबीयत कैसी है आपकी, आप क्या लेने आए यहाँ से? हम नान देने आए हैं। अच्छा नान देने, नान वाले, तो कब से आप इनको नान दे रहे हैं? तो इनकी क्वालिटी आपको पसंद है और खाए भी आपने इनसे हैं, क्या चीज़ खाई आपने इनसे? अच्छा, और इनका रेट मुनासिब है? चले थैंक यू सो मच जी, भाई के मुनासिब है इनके। और सर ये बताएंगे चपनी कबाब कितने का दे रहे हैं आप? 30। और वो जो है सेक कबाब, वो भी सेम रेट है? सेम रेट है, चेंज कर देना रेट। अच्छा अच्छा, नहीं हो गया इसलिए रेट हमने चेंज कर दिया। अच्छा जी, फिर भी आपके रेट बहुत मुनासिब है, ये आज ही आजकल ये एक माह ही बस है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच जी। जो भाई मेरा वीडियो देख रहे जी, आए मियां टिक्के शॉप पे आए, यहाँ पे मेन पिको रोड के ऊपर इनकी शॉप है और इनके मुनासिब रेट हैं और बिल्कुल क्वालिटी इनकी अच्छी है, आएँ और ज़िंदगी को एंजॉय कर अपनी फैमिली के साथ आए। थैंक यू सो मच।